नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन काफी बड़ा है। समाजवादी पार्टी और बसपा ने अपनी लिस्ट को जारी किया है। किस पार्टी का प्रत्याशी किस जगह से लड़ेगा, ये आज घोषणा हुआ है। बसपा मुखिया मायावती और अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आधिकारिक रूप से इस लिस्ट को जारी किया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 और बसपा 38 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं इन सब के बीच दिलचस्प बात ये उभर के आई है कि बनारस से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में सांसद हैं, वहां की खाते की सीट गई है समाजवादी पार्टी के हक में। वहीं आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुजरात के हार्दिक पटेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसे में सूत्रों की माने तो हार्दिक पटेल बनारस से गठबंधन के महागठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और ऐसे में जब हार्दिक पटेल चुनावी मैदान में होंगे तो बनारस में गुजरात वर्सेस गुजरात का मुकाबला कैसा होगा, ये तो आप सब अंदाजा लगा चुके होंगे। लेकिन सबसे तेज न्यूज को मिले सूत्रों के अनुसार हार्दिक पटेल बनारस से महागठबंधन समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हार्दिक पटेल गुजरात में काफी महत्वपूर्ण चर्चा चेहरा है और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आता है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट से, जो वर्तमान में संसदीय सीट है उनकी, और लोकसभा का चुनाव अगर हार्दिक पटेल लड़ते हैं तो वहां का माहौल क्या रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हार्दिक पटेल जब मिले तो उनके बीच कुछ मंत्रणा हुई और वो मंत्रणा बनारस की सीट को लेकर हुई। फिलहाल आने वाले वक्त में ये तय होगा कि क्या हार्दिक पटेल ही साइकिल की सवारी कर मोदी को पछाड़ेंगे या फिर बनारस में फिर से कमल खिलेगा। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, वाराणसी ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।